यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें जिससे आप चैनल पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है जिससे आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। आइए इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हिंदी मैसेज को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, हिंदी के शब्दों को इंग्लिश के अक्षरों से कैसे लिखा जाता है जिसका हम व्हाट्सएप और मैसेज में यूज करते हैं। ये इस प्रकार के वीडियो का भाग सात है। बाकी के भाग आप आई बटन पर क्लिक करके या वीडियो के आखिरी में देख सकते हैं। हम मैसेज में इस वाक्य का काफी प्रयोग करते हैं। तो पहला शब्द है धन्यवाद, तो ध के लिए हम क्या लिखते हैं? डी एच। अ का उच्चारण इसलिए ए, आधा न और आधे न के लिए हम लिखेंगे एन। फिर य के लिए वाई, फिर व और व में आ की मात्रा, तो व के लिए डब्ल्यू और आ की मात्रा के लिए ए, और फिर द के लिए डी। अधिकतर शब्द जहां पर व होता है और उसके बाद अ या फिर आ का उच्चारण होता है, तो वहां पर हम वी के बजाय डब्ल्यू का यूज करते हैं। फिर अगला शब्द आपका, तो आ के लिए आ लिखेंगे हम यहाँ पे ए, तो आ के लिए हम सिंगल ए भी यूज करते हैं और डबल ए भी। फिर प के लिए हम लिखते हैं पी और का, क में आ की मात्रा, तो क के लिए के, आ की मात्रा के लिए ए, तो के ए का। फिर बहुत, ब के लिए आपका बी, अ का उच्चारण है तो ए, ह और छोटा ओ की मात्रा, तो ह के लिए एच, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, एच यू हू। फिर त के लिए आपका टी, बहुत, फिर बहुत बी ए एच यू टी, बहुत। फिर ब बी ए ब, ध में आ की मात्रा, तो ध के लिए डी, एच आ की मात्रा के लिए ए। फिर ई, तो हमने लिखा है ई के लिए आई, और फिर या के लिए वाई, आ की मात्रा के लिए ए, और इस बिंदी के लिए एन, बधाइया। आपको डबल ए आ, पी प के लिए, और के ओ को, आपको ढेर, डी एच ढ ए की मात्रा, तो ई और आर के लिए र, ढेर, सारी, एस ए सा और री, आर आई री। फिर है शुभ कामनाएं, तो स शक्कर वाला स, और फिर उसमें छोटा ऊ की मात्रा, तो इस स के लिए आता है आपका एस एच, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, तो एस एच यू सू। फिर भ, भ के लिए आपका बी एच। फिर कामनाएं, तो के ए का। फिर म के लिए एम, ना एन ए ना, और फिर है ए, तो उसके लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं वाई ई ए। कल, के ए एल कल। फिर मेरे, एम ई में और आर ई रे। सांत, एस ए सा और थ के लिए आपका टी एच, सांत। फिर है च, सी एच च। फिर अगर उच्चारण तो ए, लो, तो ल के लिए एल, ओ की मात्रा के लिए ओ, चलो। फिर अन का उच्चारण होता है इसलिए अम की बिंदु इसके लिए एन, और गे, तो ग में ए की मात्रा, तो ग के लिए जी, ए की मात्रा के लिए आपका ई, जी ई गे। क्या, क के लिए के और आधा क है तो भी के, और या के लिए वाई ए, या। तुमने, तो त में छोटा की मात्रा, तो त के लिए टी, छोटा की मात्रा के लिए यू, म के लिए एम,
और न में ए की मात्रा ने, तो न के लिए एन, ए की मात्रा के लिए ई, एन ई ने। मुझे म के लिए एम, छोटा की मात्रा के लिए यू, इस झ के लिए जे एच, ए की मात्रा के लिए ई, एम यू जे एच मुझे बताया। बी ए ब ता, तो त के लिए टी, आ की मात्रा के लिए ए, और या तो य के लिए वाई, और आ की मात्रा के लिए ए बताया। नहीं एन ए न, एच ह के लिए, और ई की मात्रा है तो आई नहीं। फिर है मैं, तो म के लिए एम और ए की मात्रा के लिए ए आई, तो एम ए आई मैं। सभी, स के लिए एस ए, भ और भ में बड़ी ई की मात्रा, तो भ के लिए बी एच, बड़ी ई की मात्रा है मगर आखिरी में है शब्द के, तो सरलता के लिए हम यूज करते हैं आई। क में ओ की मात्रा, को, तो क के लिए के, ओ की मात्रा के लिए ओ, को। फोन, फ के लिए पी एच, ओ की मात्रा के लिए ओ, और न के लिए एन, पी एच ओ फो और न। कर, के ए आर कर, के ई के। बोल, बी ओ बो और ल के लिए एल, तो बी ओ एल बोल। दूंगा, तो डी यू दू, अम की बिंदी है तो एन, और गा के लिए जी ए। तुम, टी यू एम तुम। तैयारी, तो त में ए की मात्रा, तो त के लिए टी, ए की मात्रा के लिए ए आई, या य के लिए वाई, आ की मात्रा के लिए ए, और री, तो र के लिए आर, बड़ी की मात्रा के लिए आई। कर, के आर कर, फिर के ई के। रखना, आर ए र, ख के लिए के एच, अ और एन ए ना। मेरा, एम ई आर ए मेरा। एक, एक को हम लिखते हैं ई के, ए के लिए लिखते हैं हम ई, और क के लिए के, ई के एक। पार्सल, पी ए पा, र के रेफ के लिए आर, और स के लिए एस ए, और ल के लिए एल। ले, एल ई ले लेना, एल ई ले और एन ए ना लेना। और ओ के लिए ए यू और र के लिए आर, तो ये हो गया और। पैसे, प के लिए पी, ए की मात्रा के लिए ए आई, और से समय ए की मात्रा, तो स के लिए एस, ए की मात्रा के लिए ई। पैसे, दे, द में ए की मात्रा, दे देना, तो द में ए की मात्रा और एन ए ना देना। 720 720। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके वीडियो को लाइक करें, यहाँ क्लिक करके शेयर करें, आप भी सीखें, सभी सीखें। और आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाले बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आने वाले नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप इंग्लिश सीखते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।